जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक नई अपडेट जारी हुई कि आपका एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं आपका री एग्ज़ाम के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी होने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी होने की यह संभावित तारीख। देखें डाउनलोड करने का तरीका, यानी जो एडमिट कार्ड है वो कब आ रहा है और किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है वो संपूर्ण जानकारी आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसी साल फरवरी में पेपर लीक के चलते रद्द की गई यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की नई तारीख पिछले महीने जारी कर दी गई है। दोबारा ये परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आयोजित होगी। फरवरी में रद्द हुई परीक्षा में जो भी कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वे सभी एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीने से तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को एग्ज़ाम सेंटर जानने की उत्कृष्टता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एडमिट कार्ड हैं उनको जानने के लिए जो अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं कब जारी होंगे एडमिट कार्ड। तो दोस्तों एडमिट कार्ड कब जारी होने वाले हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ये परीक्षा देने वाले हैं वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upppv.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 15 अगस्त के आसपास जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि फरवरी ही परीक्षा से करीब एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड जारी हुए थे। और बात कर लेते हैं इन तारीखों को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल पद के लिए कुल 60,244 रिक्तियों की घोषणा की थी। इस भर्ती का प्रथम चरण लिखित परीक्षा है जो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित होगी। फरवरी में यह परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही पेपर लीक के चलते यूपी सरकार ने पेपर को रद्द कर दिया था। उस वक्त सीएम योगी ने यह ऐलान किया था कि अगले 6 महीने के भीतर इस परीक्षा को आयोजित करा लिया जाएगा। फिर दोस्तों दो शिफ्ट में होगी परीक्षा। 23 अगस्त में 31 अगस्त के बीच यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहले शिफ्ट में यह पेपर 10 बजे से 12 बजे तक होगा, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में यह पेपर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एग्जाम सेंटर पर उम्मीदवारों को कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचना होगा। एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज के फ़ोटो लेकर भी ज़रूर जाएं। तो दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एडमिट कार्ड ले जाएं, फ़ोटो ले जाएं और एक अपनी आईडी ज़रूर लेकर के जाएं। तो दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 अगस्त के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।